अस्सलाम वालेकुम। हम अपने नए व्लॉग के साथ, और आज हमने सोचा है मौसम अच्छा है यहाँ स्वीडन स्टॉकहोम में, वहीं से मैं मुखातिब हूँ, और सोचा कि हम आपको अपना आज हम सोचा कि साइकिल चलाएं। खैर, ये हमारी चाबियाँ हैं और ये हमने अपना साइकिल का कमरा खोला जहाँ हमारी साइकिलें रखी हैं। ये देखें, ये सारी साइकिलें लोगों की हैं जो यहाँ पे रहते हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ हम अब अपनी साइकिल, ये हमारी साइकिल है, हम आज साइकिल चलाएंगे। ज़रा स्टॉप करते हैं, फिर आगे हम एक जगह पानी के पास जा रहे हैं, वहाँ जाके ये साइकिल का पूरा आप देख रहे हैं, और हम वहाँ जाके बनाएंगे मज़ीद, ठीक है। और इस वक्त हम हर्ट्सबेरी के मंदिर में आ गए, आप पीछे देख सकते हैं पूरा ही समंदर है, यहाँ से शिप वगैरह भी आते हैं। तो आज हमने सोचा कि साइकिल पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए, तो आज हम साइकिल पे आए। ये हमारा हेलमेट है, उतार देते हैं और अपनी साइकिल पे लग देते हैं। तो खैर, अब हम आपको बैक साइड पर दिखाते हैं। यहाँ पे इसी समंदर पे ये बतखें हैं जंगली, जो कि समर का जब सीज़न होता है तो ये सब की सब जो है ये बाहर आ जाती हैं, और यहाँ थोड़ा लोग खाना वाना यहाँ पे डबल रोटी खरीद के लाते इनको देते, और सवाब हासिल करने की नियत से, जो सवाब समझते हैं वो सवाब पैसे की नियत से देते हैं, कुछ लोग खाना वैसे ही देते हैं आके, दुआएं मिलती हैं। आप लोग भी जहाँ कहीं हैं ये छोटे छोटे चिड़ियों को, जानवरों को डाला करें, इससे जो है, क्योंकि यहाँ विंटर के सीज़न में तो इन्हें खाना वाना तो मिलता नहीं है, इस वजह से आखिर ये देखें, यहाँ पर डांस हो रहा है, म्यूज़िक बज रहा है, ऊपर वर्जिश हो रही है, और ये पूरा हर्ट्सबेरी का समंदर है, और इस समंदर में लोग मछलियाँ भी पकड़ने आते हैं, और बहुत से लोग जो है किनारे पे खड़े होकर यहाँ पे मछलियाँ वगैरह भी पकड़ते हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ बार दफ़ा हाथ आ जाती हैं, और कुछ ऐसी मछलियाँ आती हैं जो यूनिक होती हैं। तो ये एक मछली पकड़ना भी एक गेम है, और यहाँ पर ये साइकिलिंग वगैरह भी लोग कर रहे हैं, जिस तरह के हम साइकिल चलाते आए हैं और लोग भी साइकिल चला रहे हैं। Oh, 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 oh
ये देखें लोग ऊपर, ये ऊपर वर्जिश कर रहे हैं लोग, डांस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम अली, यू आर वॉचिंग बाई वीलॉग चैनल। और आज हम यहां समंदर के पास, ये हमारी साइकिल खड़ी है और ये हमारा हेलमेट है, क्योंकि हम हेलमेट, क्योंकि यहां पे साइकिल पे हेलमेट पहनना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप हेलमेट के बगैर जिस तरह मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं उस तरह साइकिल भी नहीं चला सके। और साइकिल पे हैंड ब्लेड पहनना बहुत ज़रूरी होता है, बल्कि आपको सर में चोट लगे तो पैरालाइज भी हो सकता है और ख़तरनाक चोट होती है सर की। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि मोटरसाइकिल हो तो उसके ऊपर आपको मोटरसाइकिल चलाने के पूरा सूट ख़रीदना पड़ता है। साइकिल के लिए यह है कि आप हेलमेट बस पहन लें, और बहुत ज़रूरी होता है, इसी हेलमेट के बगैर यहाँ पे साइकिल का भी चालान होता है, लेकिन ये सब आपकी सेफ्टी के लिए होता है। और ये देखें यहाँ पर ये समंदर आए हैं, और इस तरह का समंदर जो है लोगों के घरों के करीब, हर घर के करीब जो है तकरीबन 400-500 मीटर के पास जो है, ये इस तरह का समंदर हर घर के पास है, क्योंकि स्टॉकहोम का मतलब है छोटे छोटे जजीरों का मजमुआ। तो अगर आप ये कहना गलत नहीं होगा कि हम किसी जजीरे पर रह रहे हैं, क्योंकि हर तरफ पानी पानी तो बहुत ज़्यादा है, और इससे जो है खूबसूरती मिलती है। और ये देखें आप, इतना देख सकते हैं कि सब पानी है, और इसमें मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं। आजकल समर है, समर के सीज़न में, अदरवाइज तो पीछे देखें लोग जो हैं देखें, अंकल जो है पीछे अपना मछली पकड़ने का ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, मछली पकड़ने का सामान आप लें और अपना शौक पूरा कर सकते हैं आसानी से। इसी तरह हम भी आज आमतौर पे समर का सीज़न होता है, अदरवाइज़ तो यहाँ पे बेतहाशा बर्फ़ होती है, और बर्फ़ के सीज़न में आप कोई काम कम अज़ कम आउटडोर तो नहीं कर सकते, और सारे गेम और खेल तमाशे जो हैं वो इनडोर होते हैं। और ये देखा ऊपर ऊपर लोग खड़े हुए जो है मेरे ख्याल से वर्जिश कर रहे हैं, म्यूज़िक के ऊपर डांस भी हो रहा है और वर्जिश भी हो रही है। तो खैर ये जो कुछ भी है, म्यूज़िक की आवाज़ भी आपको हल्की हल्की आ रही होगी। और यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डांस की ट्रेनिंग देते हैं, और डांस की ट्रेनिंग भी आजकल इस तरह की हो गई है कि आपकी वर्जिश भी होती है। बस डांस क्या है, उसमें उछल कूद करना होता है, वो भी एक वर्जिश की तरह होता है। पीछे पूरा इलाका ये है। तो आज हमने सोचा कि बाहर निकले और ये यहाँ की वीडियो बनाए। आजकल जो है वीडियो बनाने का रवाज है, और लोग अपने अपने इलाकों की खूबसूरत वीडियो बनाते हैं और अपने इलाके के बारे में जो है लोगों को बाकायदा जो है बताते हैं। ये देखें आप ऊपर वो वर्जिश, सामने जो है जिम है, और वहाँ डांस सीखा जा रहा है, और इधर जो है एक अंकल जो है हमारे, बल्कि अंकल क्या, हम तो खुद ही अंकल हैं, मछली पकड़ रहे हैं। अब यहाँ तो आप रात में भी मछलियाँ पकड़ सकते हैं, दिन में भी मछलियाँ पकड़ सकते हैं। ये है विंटर में इंडोर मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं, समर में आउटडोर पकड़ रहे होते हैं। खैर आगे चलते हैं।